दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शियार्स 2018 की, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट दोनों के लिए है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शियार्स क्या है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि शियार्स कौन सा एग्जाम होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि कौन कौन से शियार्स कोर्सेज ऑफर करता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है शियार्स के एग्जाम को देने की, उसका एग्जाम पैटर्न कैसे आता है, उसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है शियार्स की, एंड काउंसलिंग कैसे होती है शियार्स की। दोस्तों अगर शियार्स के बारे में हम बताएं तो यह है सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि 1910 में सेटअप हुई थी, यानी 100 ईयर्स पहले। दोस्तों शियार्स पहला इंस्टीट्यूट था जो कि ऑफर करता था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को, डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ग्रैंडियोसिटी की बात करें तो शियार्स सर्टिफाइड हुआ एज ए क्रिश्चियन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि कैटेगरी ए में डाला गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। दोस्तों कोर्सेज की बात करें तो ये अराउंड 42 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करता है शियार्स, और इसको प्रॉपरली इसका जो टेस्ट को है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हम शियार्स EE के नाम से जानते हैं। ये इलाहाबाद में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, जिसके अंदर 900 एकड़ का कैंपस है। दोस्तों कोर्सेज जो ये ऑफर करता है उसकी बात करें तो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस ऑफर करती है, एनिमल साइंस ऑफर करता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ साइंस इन वेरियस फील्ड्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिल्म एंड मीडिया के कोर्सेज भी दोस्तों शियार्स ऑफर करता है। दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये अराउंड 150 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर इसके जो बुकलेट होता है उसके अंदर PCM, PCB, PCMB एंड HBC। HBC यानी दोस्तों होम साइंस बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। दोस्तों इसकी 150 क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऑप्शनल सेक्शन जो उसका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस एंड केमिस्ट्री में, वो हर एक सेक्शन 30 क्वेश्चंस का होता है। आपको तीन सेक्शंस का एग्जाम देना होता है, जिसमें से कंपलसरी सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड में 60 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जो आप 90 क्वेश्चन जो रेस्ट रह गए हैं वो आप ऑप्शनल सेक्शंस में से ढूंढ के करते हैं दोस्तों, वो आप अपने हिसाब से करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट कोई आंसर रॉन्ग करता है तो उसमें उसका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% जो सीट्स है टोटल यूनिवर्सिटीज की, वो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, बाकी सीट्स जनरल कैंडिडेट्स एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इसका एग्जाम देने के लिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ओपन वाले नहीं दे सकते, प्राइवेट वाले नहीं दे सकते, सब दे सकते हैं, CBSE, ओपन, प्राइवेट, सब। और दोस्तों 45% इसका जो SC ST OBC कैंडिडेट्स और PH फिजिकली हैंडी कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स है। दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलना आपको 1 फरवरी 2018 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 20 मई 2018। एडमिट कार्ड की अगर बात करें दोस्तों तो 3rd week of May में निकल जाएगा। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो वो है 31 मई 2018 को। इसका जो एग्जाम है दोस्तों वह है 31 मई 2018 में। रिजल्ट की डिक्लेरेशन की बात करें दोस्तों तो 10th जून 2018 में आ जाएगा। काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 4 जुलाई 2018 से। दोस्तों अगर हम इसकी काउंसलिंग की बात करें कि इसकी काउंसलिंग होती कैसे है, तो इसकी काउंसलिंग सेक्शन मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करेगी। 4 जुलाई 2018 से इसकी काउंसलिंग शार्ट की स्टार्ट हो जाएगी, और इंस्टीट्यूट इसके लिए कॉल लेटर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज करता है, और जो आपकी काउंसलिंग होगी वो आपके आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। और आपको ये कॉल लेटर डाउनलोड करके लेके जाना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, और क्योंकि एक प्रूफ वो मान के चलते हैं इसको। दूसरा, आपने जितने भी चीज़ें अपलोड की थी आपको उसका प्रूफ लेके जाना होगा। आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेके जाना होगा, 10, 12 सबके सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे। अगर आप किसी में भी कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी प्रूफ को दिखाने में नहीं दिखा पाता है तो उसका
एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो कोई भी प्रूफ नहीं दिखा पाता है तो। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमारे लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉलेज ऑप्शन को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम ऐसी वीडियो हर हफ्ते 3 से 4 लेके आते हैं। दोस्तों थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।